तो फ्रेंड्स, पहले ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको लेना है तो पहले चीज़ आपको दो कॉपी आपका जो है ये एप्लीकेशन चाहिए होंगे कि आप किस लिए ले रहा हो नहीं ले रहा, तो ये आप पढ़ लेना कि क्या लिखा है मैंने, तो इतना लिखना काफ़ी है। ठीक, आप जो है ये डेट प्लेस मोबाइल नंबर और ऐसे करके आप एप्लीकेशन लिख लेना, और ये है आपका सर्टिफिकेट जहाँ पर कुछ नहीं है, आपको ये फॉर्मेट लेकर जाना है। और फॉर्मेट में मेरे को तो ऐसा ही दिया कि एक स्टैंप मार दिया और साइन कर दिया बस, और ये करने में लगभग 1 वीक इन्होंने लगा दिया। देखो 16th को साइन किया है और मैंने सबमिट किया था 9th को। बाय द वे, हो सकता है कि DM का बहुत सारे काज होंगे। अब और क्या लगता है कि पहले तो बोला कि आपका एप्लीकेशन जो है दो कॉपी, याद रखना एक कॉपी आपको वहाँ पर सबमिट मतलब वो लोग ले लेंगे और आपको एक देगा जहाँ पर रिसिप्ट बोल के लिखा हुआ रहेगा, और जब आप सर्टिफिकेट लेने जाओगे तब वो आपका जो एप्लीकेशन है वो फिर से दिखाना पड़ेगा। तो दो कॉपी आप बना लेना, या तो एक कॉपी में लिख के और एक कॉपी जेरोक्स कर लेना। दूसरा क्या लगेगा, आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो लगेगा। तीसरा आपका BDO से इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। चौथी यहाँ पर बोला है कि आपका सैलरी स्लिप, मतलब अगर पेरेंट्स आपका पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो उसका सैलरी स्लिप लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। और फिफ्थ नंबर पे है NCL फॉर्मेट, यानी मान लो मैंने एडमिशन के लिए दिया था तो जो फॉर्मेट मैंने दिखाया तो उस फॉर्मेट को आपको लेकर जाना है। ठीक है, उस फॉर्मेट को आपको सबमिट करना है। और 6th में यहाँ पर लिखा है कि किस लिए ये सर्टिफिकेट आप ले रहा हो, और तो उसके प्रूफ, यानी मैंने एडमिशन के लिए ले रहा था तो मैंने एडमिशन का जो नोटिस था यूनिवर्सिटी का वो नोटिफिकेशन प्रिंट आउट करके सबमिट किया था। तो ये 6 चीज़ें मेरा सब डिविजनल जो ऑफिस है यानी मेरा कटवा था, तो ये पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये यहाँ का ऑफिस से ही मैंने गया था, तो वहीं पे ये सारी चीज़ें लगाया हुआ था डोर पे, तो मैंने फ़ोटो खींच के लाया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये हेल्प होगा, और हेल्प हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि 1K जल्दी पूरा हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और जो जरा बांग्ला थे आसो पश्चिमबंगी যারা বাংলাতে পড়তে পারছো তারা তো পড়তে পারছো, এখানে কী লেখা রয়েছে না লেখা রয়েছে, তো আই হোপ তারাও বুঝে গেছো যে তাদেরকে কী কী নিয়ে যেতে হবে। তো থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।